तो दोस्तों यहाँ ऑटो रिक्शा ज्ञान में आज का वीडियो बहुत ही खास है और दोस्तों मैं ये शेयर करना और ये ट्रिक भी आप दोस्तों में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी रात का समय और गाड़ी जहाँ मैं पेट्रोल पंप डालने ही वाला था, पेट्रोल डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या। तो फिलहाल अभी मैंने गाड़ी साइड में ली और न्यूट्रल लाइट क्यों नहीं लग रही, तो फिलहाल सब लाइट चालू है, मतलब बैटरी अच्छी है, ओके। और एक बार सेल्फ मार के दिखाता हूँ तो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही, किक मार के भी देखा चालू नहीं हो रही। तो कभी कभार यह ऐसा क्यों होता है, तो डरने वाली बात नहीं है क्योंकि न्यूट्रल लाइट नहीं लग रही। तो कभी अगर आपका स्विच ख़राब हो जाता है, तो अभी फिलहाल न्यूट्रल पोजीशन में लेता हूँ, आप दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपको ये चीज़ें सीख लेनी दोस्तों, क्योंकि आप ऑटो ड्राइवर हो, रात का समय हो या दिन का समय, कभी कभार आपका ऑटो इस जगह ऐसी जगह ख़राब होता है, वहाँ कोई नहीं रहता है। आप फिटर मैकेनिक यार दोस्तों को कॉल करने से पहले ये चीज़ें आप खुद भी सीख सकते हैं और ये दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो फिलहाल ये फोर स्ट्रोक गाड़ी है, टू स्ट्रोक भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंजन बहुत गर्म होता है, तो अभी फिलहाल इस पर मैं तौलिया रख देता हूँ क्योंकि इंजन बहुत गर्म है। तो फिलहाल ये चीज़ें आप सीख लेना है दोस्तों। तो भाई का नाम जान लीजिए अनिल बागुल और मेरे चैनल का नाम ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ गूगल, यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी यही चैनल जो है ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो अभी यह आप पीछे इंजन में जाते हैं, यहाँ देखते हैं गियर बॉक्स के पीछे यह ग्रीन कलर की वायर दिख रही है दोस्तों। यहाँ भी मैं हाथ लगा के दिखा रहा हूँ, ये स्विच ब्रेक हो चुका है, मतलब टूट चुका है, क्योंकि ऑटो जैसे पुराना होता चलता है वायरिंग ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, पंचर हो जाती है। तो इसको अभी फ़िलहाल खोल लेना, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है भाई के साथ, कोई नहीं और दूसरा, उसके लिए मुझे अभी ये मैं खोल ले। तो यहाँ नीचे लॉक होता है, आप स्क्रू ड्राइवर से या हाथ से भी खोल सकते हैं। और दोस्तों ध्यान देना, ये खोलते समय ये चीज़ें संभालनी है, क्योंकि खो जाएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपको ये यहाँ से आराम से खोल लेना है, क्योंकि यह जगह बहुत कम है। ऑटो रिक्शा जो फोर स्ट्रोक का है उसका इंजन, तो ये नीचे भी वायर देख सकते, यहाँ से टूट चुका है, ये भी ग्रीन ही वायर है। तो यहाँ आप कौन से भी कलर की वायर लगा सकते हैं, खाली आपके पास एक्स्ट्रा वायर आपके अवेलेबल होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी मेरे पास एक जो प्लायर होती है जो वायर कटिंग की, ये भी रखता हूँ, साथ में आप सादी वायर जो पकड़ होती है, जो प्लायर होती है वो भी रखना है, और ये टुकड़ा वायर का एक्स्ट्रा दोनों तरफ से छील लेना। अभी कौन सी भी कलर का हो तो आपके पास ये रहना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और पीयूसी टेप। अभी फ़िलहाल रात का समय और मैं अकेला हूँ, तो साथ में कोई है नहीं, तो ये चीज़ें आपको खुद की करनी पड़ती है और सीख लेना पड़ता है। तो ये चैनल पर मैं यही सिखाता हूँ, कभी कभी आप अकेले हो तो ये चीज़ें कर लेनी है। तो चैनल पर आए हो तो सबसे पहले क्या करना है, तो ऑटो रिक्शा ज्ञान ये मेरा चैनल है, और लाइक शेयर और कमेंट, जो आपको वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट करके बताना, और बेल आइकन दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आपका कोई भी ऑटो BS3 BS4 BS6 कोई भी ऑटो होते हैं, ये चीज़ें उनमें भी लगी होती है, न्यूट्रल पोजिशन होने पर बाद ही गाड़ी स्टार्ट होती है, क्योंकि दोस्तों अभी अलग अलग वर्जन आ रहे थे, लोग कन्फ्यूज़ होते हैं ये इसमें है या नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ें होती है, तो फिलहाल अभी आप ये वायर छीलने के बाद ये गाड़ी का जो बॉडी होती है मेटल होता है, ये वायर का भी आप लगा सकते हैं। क्यों, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभार दोस्तों आपका स्विच ख़राब हो जाता है, तो भी आपकी गाड़ी न्यूट्रल पोजिशन में नहीं आती, तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी। तो अभी रात का समय, इसलिए पूरा वीडियो दिखाने के बजाय मैं आधा जो दिन में बनाने वाला हूँ। अभी न्यूट्रल लाइट लग चुकी है, देख सकते हैं दोस्तों, मतलब मेरी गाड़ी स्टार्ट होने हो सकती है, मतलब हो जाएंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रात का समय, इसलिए मैंने फ़िलहाल अभी ये थोड़ा वीडियो बना है, और आपको ये चीज़ें समझ लेनी। देख सकते हैं न्यूट्रल लाइट लग चुकी है, क्योंकि दोस्तों आप जब तक कुछ चीज़ें सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। और अनिल भाई आपके लिए ज़रूर ऑटो रिक्शा ज्ञान जो मेरा चैनल है, तो मैं यहाँ अवेलेबल रहता हूँ, आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, जब रात का समय कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि रात में कुछ चीज़ें समझ में नहीं पाते। अभी न्यूट्रल लाइट लग चुकी मतलब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, तभी आज दिन में आते हैं, मैं सुबह सुबह इसके लिए बना देता हूँ आपके लिए, तो ये डेमो है आपके लिए। और ये चीज़ें आपको हर बताता रहता हूँ कि आप जब भी न्यूट्रल स्विच हो तो इसका रिप्लेस का वीडियो तो मैंने पहले भी डाल चुका, पर अभी ये ब्रेक हो चुका है, अचानक से बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं दोबारा ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो आपको समझना चाहिए, ये ग्रीन कलर की वायर होती है, इंजन के अंदर से आती है, और दूसरा दोस्तों ये स्विच होता है। तब ये वायर के लिए मैं डेमो स्विच आपको दिखा देता हूँ, तो ये बाहर निकल के स्विच दिखा देता हूँ, क्योंकि स्विच भी आपको पता होना चाहिए ग्रीन कलर का है, इसको भी PUC अच्छे से पैक टेप मार दिया, ये दूसरा वायर है और ये प्लायर सादी है। तो फिर ये भी आपको साथ में रखनी, क्योंकि ये चीज़ें आपको आपके टूल बॉक्स में होनी चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल अभी ये इसको जॉइंट मारता हूँ, बैटरी चालू है और उसको स्विच ऑन है, तो मतलब कि न्यूट्रल लाइट नहीं लगी, उनमें स्टार्ट नहीं हो सकती।
तो यहाँ आपको बैटरी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फोर स्ट्रोक गाड़ी है, इसको बैटरी बैकअप अच्छा लगता है, इसलिए तब ये न्यूट्रल पोजीशन में सुबह का वक्त है आपको, इसलिए मैं दोबारा वीडियो आपके लिए बना रहा। तो वीडियो आपको जरूर पसंद है, और लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ भी मेरा चैनल का नाम ऑटो रिक्शा ज्ञान ही है, और मैं हूँ अनिल बागुल। तो फिलहाल ये वायर इसमें, दूसरी वायर इसमें लगा देता हूँ, क्योंकि आपको न्यूट्रल पोजीशन में गाड़ी कैसी लानी है कि न्यूट्रल लाइट लग जाए, तो यहाँ उसको इस तरह लगा देना। फिलहाल डेमो है इसलिए समझ लेना है दोस्तों। और ये गाड़ी का जो मेटल होता है, जो पतरा बॉडी का कहीं जो भी कहते हैं, तो कहाँ भी इसको टच कर देते तो ये न्यूट्रल लाइट लग जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको मालूम होनी, जहाँ आपका गाड़ी बंद पड़ जाए और आप गाड़ी स्टार्ट करके अपना अपना रूटीन काम कर सकते, फिर मैकेनिक के पास अच्छे से काम कर सकते। तो फिलहाल ये पूरी तरह सेफ़ है, और अच्छे से आपको दोस्तों में शेयर ज़रूर कर सकते। तो अभी फिलहाल मैं खाली डेमो के लिए आपको ये दिखा देता हूँ, ये न्यूट्रल लाइट यहाँ जो वायर यहाँ फिट कर देता हूँ खाली, जिसे आपको पता। फिलहाल मैं अकेला, इसलिए मैं आपको ये पूरा वीडियो इस तरह समझा रहा था। वीडियो आपको समझ में तो बोलो लाइक और शेयर करने में, कोई सब फ्री है दोस्तों। तो न्यूट्रल लाइट लग चुकी है, और मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना था। मैं हूँ अनिल बागुल, ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।